की पतंगों से सजे हैं, खासकर परकोटे के बाजारों में अलग अलग वैरायटी की पतंग लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इस बार महंगाई और कोरोना की मार पतंगबाजी के साथ ही खरीदारी पर भी साफ तौर पर दिख रही है। पेश है पतंग बाजार से जुड़ी खास रिपोर्ट। हर बार मकर संक्रांति पर पिंक सिटी के आसमान में पतंगबाजी परवान पर होती है। राजा रजवाड़ों के समय से चली आ रही ये परंपरा आज भी जीवित है। खासकर जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पतंगबाजी का अलग ही उत्साह होता है। राजधानी के रामगंज क्षेत्र का हांडीपुरा बाजार पतंगों का प्रमुख बाजार माना जाता है। मकर संक्रांति से 15 दिन पहले से ही ये बाजार पतंगों से सज जाता है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार पतंग बाजार फीका नजर आ रहा है। पतंग कारोबारी साजिद अंसारी ने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना के चलते इस बार बरेली से जयपुर तक पतंग व्यापार बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। काम है नहीं बिल्कुल भी, लोगों के पास पैसे नहीं है, क्या करें। शौक की चीजें तो शौक में, अब उड़ाएंगे या खाएंगे। पिछले मुकाबले तो बहुत ही हर चीज महंगी हो गई और बिल्कुल मार्जिन बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। तो इस बार तो बहुत ठंडा है, ऊपर से बारिश वगैरह की वजह से बिल्कुल ही ठंडा मामला है। अब के धागों पे पैसे बढ़ गए, पतंग पे पैसे बढ़ गए, ग्राहक ले नहीं रहा, पैसे है नहीं ज्यादा, तो इसलिए बिल्कुल ठंडा मामला है। विश्व प्रसिद्ध जयपुर में पतंगबाजी का इतिहास काफी पुराना है। जयपुर में पतंगबाजी की शुरुआत तत्कालीन महाराज रामसिंह के समय पर हुई थी, जो आज सैकड़ों साल बाद भी जीवित है। भले ही आज कंप्यूटर और इंटरनेट के गेम्स चल रहे हैं, लेकिन जयपुर के पुराने लोग आज भी मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में अपना हुनर दिखाते नजर आते हैं। लेकिन अब वो पहले वाले शौक नहीं रहे, जो भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुआ करते थे वो लोग इकट्ठे अब नहीं होते हैं। अब तो जिनको पेच आपस में कंपटीशन है वो लोग होते हैं या उनकी टीम होती है, उसके अलावा नहीं हो पाता। क्योंकि आजकल लोगों का पेट से भरने से ही जो है फुर्सत नहीं मिलती है, तो पहले जो है बेफिक्री हुआ करती थी, अब जो है थोड़ा परेशानी का आलम हो गया, कारोबारी मामला तो बढ़ गए। कपूर अपनी पतंगबाजी के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं रामगंज क्षेत्र में जो परकोटे का बाजार है रामगंज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हांडीपुरा क्षेत्र में ये पूरा पतंग बाजार है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी दुकानें अलग अलग डिज़ाइन के जो पतंग है उनसे सराबोर है। यहाँ खरीदार है, पहुँच रहे हैं यहाँ पर, खासकर जयपुर और इस क्षेत्र के बनने वाले जो पतंग है, इसके अलावा यूपी और बरेली के जो पतंग है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में खरीदे और बेचे जाते हैं। आप देख सकते हैं जो खरीदार हैं उनकी कतारें लगी हुई है, और क्योंकि मकर संक्रांति पर एक बड़ा पर्व इस पर मनाया जाता है और पतंगबाजी जब छतों पर लोग निकलते हैं तो रंगीन पूरा एक माहौल होता है। जयपुर में पतंगबाजी का शौकीन लोग यहाँ से पतंग खरीदते हैं। पतंगों के इस मौसम में नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज की फोटो वाले पतंग आसमान की सैर करते नजर आते हैं। जयपुर के रामगंज बाजार में अब्दुल गफूर अंसारी पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन पिछले 40 साल से राजनेताओं के साथ ही बॉलीवुड के कलाकारों की बड़ी बड़ी पतंगे बनाते हैं। इस बार उन्होंने पीएम मोदी से लेकर सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश के कई मंत्रियों, जयपुर के विधायक और मेयर तक की पतंगे बनाई हैं। हालांकि अब्दुल अंसारी इन पतंगों का निर्माण केवल अपने शौक के लिए करते हैं। आदमकद पतंगे पहले से बहुत बढ़िया बनने लगी हैं, और जो है जो भी राजनेता जीत करके आते हैं या खिलाड़ी हैं जो अच्छे अपना नाम करते हैं इंडिया में, और जो फिल्म कलाकार हैं फेमस पॉपुलर जो है उनकी में जो है बनाता हुआ है, क्योंकि उनका नाम भी हो और हमारा भी जो है ये शौक जो है वो मालूम हो कि हम ये कलाकार ऐसे बनाने वाले हैं। जयपुर में पतंगबाजी का दौर राजा रजवाड़ों के जमाने से चल रहा है, लेकिन आज युवाओं में पतंगबाजी का चलन धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं कोरोना काल ने भी इस बार पतंग व्यवसाय पर संकट खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।